अंतरराष्ट्रीय अल्ट्रा मैराथन धावक सुनील शर्मा ने आज मंगलवार को आम आदमी पार्टी की तरफ से नहन विधायक क्षेत्र से चुनाव के लिए सहायक रिटर्निंग अधिकारी के पास अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने बीजेपी व कांग्रेस को कौरव व रावण की सेना करार दिया। मीडिया से बात करते हुए नाहन विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार एवं अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा मैराथन धावक सुनील शर्मा ने लोगों का आभार व्यक्त करते हुए दावा किया कि इस चुनाव में हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में बारी बारी से पांच पांच साल बीजेपी व कांग्रेस का राजनीतिक गुंडागर्दी चल रही है, जिन्होंने आम आदमी, कर्मचारी, बुजुर्ग, महिलाओं व युवा सभी को सताया है, साथ ही धोखा किया है। लेकिन अब बीजेपी व कांग्रेस से दोनों का ही अंत आने वाला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस को शायद यह नहीं पता कि पांडव केवल पांच थे जबकि कौरव पूरे 100। मैं आप सब लोगों का दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहूंगा। जो आप लोगों का हौसला है वो देख के मैं कह सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी बहुत जल्दी हिमाचल में सरकार बनाने वाली है। और आप जो देख रहे हो इतने सालों से कांग्रेस और बीजेपी का राज चल रहा है, पाँच साल कांग्रेस का, पाँच साल बीजेपी का राज नहीं, गुंडा राज जो चल रहा है, जिन्होंने हर एक इंसान को आम आदमी से लेकर, चाहे मैं बात करूँगा एम्प्लॉयज़ की या आम आदमी की, बुजुर्ग की, महिला की या युवाओं की, सिर्फ उन लोगों को सताया है और उन लोगों के साथ धोखा किया है। अब उनका अंत आने वाला है। ये जो आम आदमी पार्टी की आप टीम देख रहे हो, शायद ये कांग्रेस और बीजेपी की तरह जो किराए पे लाए जाते हैं उनकी तरह नहीं है। एक आम आदमी है जो कार्यकर्ता है, जो मेहनत करके अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे, और शायद दिखाने के लिए जो भीड़ पैसे से कोई भी ला सकता है, पर आम आदमी एक ऐसी पार्टी है जो ईमानदार पार्टी है और आम लोगों से बनी हुई पार्टी है, जिनके पास पैसा नहीं है बीजेपी और कांग्रेस की तरह जो किराए पर लेके आते लोगों को। शायद उनको ये नहीं पता है कि जो पांडव थे सिर्फ पाँच थे और कौरव 100 थे, बट फिर भी विजय किसका हुआ, पांडव की जीत हुई है। तो ये यही वही पांडव की सेना है और राम की सेना है, जो मुट्ठी भर सेना ने रावण की लंका को ढा दिया था। तो ये आम आदमी की जो सेना है ये कांग्रेस और बीजेपी की लंका को ढाने वाली है। और इस बार जो वोट पड़ेगा वो शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, भ्रष्टाचार मुक्त जो बनाना है देश को, उसके ऊपर वोट पड़ेगा। और युवा, जिन लोगों को बेरोजगार बनाया है इस सरकार ने, उसके ऊपर वोट पड़ेगा। आम आदमी इस बार वोट डालने वाली है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि इतने सालों से बीजेपी कांग्रेस को देख लिया है, अब इस बार सब लोग आम आदमी पार्टी को वोट डालने वाले। हम जहां भी लोगों के बीच में जा रहे हैं उन लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है, भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। और आज मैं अपना नामांकन भरने के लिए जा रहा हूं, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो ये आपका हौसला है ये बहुत जल्दी कांग्रेस और बीजेपी की लंका को ढाने वाली है।